नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे डॉल कंप्यूटर के कंट्रोल और पावर के। सबसे पहले पावर वायरिंग में देखते हैं कि एक बस बार से सीधे 3 वायर आर वाई बी में 3 वायर कनेक्ट है। एमसीसीबी से 3 वायर निकलकर नीचे से कॉन्टैक्टर पर जाएंगे। कॉन्टैक्टर से निकलकर सीधे ओवरलोड में जाएंगे आर वाई बी, सिंपल तरीके से। और ओवरलोड से निकलकर सीधे हम 3 वायर दे देंगे UVW अपने मोटर के टर्मिनल को। अब कंट्रोल वायरिंग की बात आती है, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। एक दो जगह पर एक पावर वायर उठाएंगे, एक MCCB लगा देंगे कंट्रोल के लिए, वो आगे वायर ले जाएंगे। और एक ओवरलोड से निकालेंगे वही वायर, ओवरलोड से निकाल कर सीधे हम वायरिंग में देख रहे हैं ड्राइंग में आपकी, सीधे वो वायर स्टाफ वाले टर्मिनल पर आएगी, स्टाफ के पुश बटन पर आएगी। स्टाफ पुश बटन से नीचे से निकाल कर हम सीधे वही वायर सीधे स्टार्ट वाले पुश बटन को दे देंगे। स्टार्ट वाले पुश बटन के नीचे से ठीक नीचे से निकाल कर हम वही वायर कॉन्टैक्टर के एवन पे चली जाएगी उसके ऑन करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने बात है कॉन्टैक्टर की होल्डिंग में सबसे पहले जो ये ब्लिंकिंग कर रहा है उसके एनो कॉन्टैक्ट पर हम होल्डिंग की वायर लगाते हैं। कॉन्टैक्टर के एनो से हम ऑन का इंडिकेशन लेते हैं, कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट से हम ऑफ का इंडिकेशन लेते हैं, और ओवरलोड के एनो कॉन्टैक्ट से हम टेक का इंडिकेशन लेते हैं। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, ये अपना कॉन्टैक्टर ऑन का है ग्रीन में, और कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट से मोटर के ऑफ का है जो रेड में दिखाई दे रहा है। ओवरलोड के एनओ से ये ट्रिप का है, मोटर हमारी ट्रिप करेगी तो ये रेड वाला बटन चलेगा। कंट्रोल वायरिंग में दो जगह ध्यान देना है, होल्डिंग और ये ट्रिपिंग इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन में, बाकी सब सिंपल है दोस्तों। एक चीज़ और है, हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा जो ब्लैक में ब्लिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल देना होगा, हमारी सर्किट तभी पूरा होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।